व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ अपडेट 30,000 वाले पोर्टफोलियो का। आप लोगों ने बिटकॉइन देखा ही होगा, मार्केट देखी होगी कि मार्केट गिरी है, एंड मैंने टेलीग्राम पे कुछ अपडेट शेयर किए थे, वो आपने देख ही लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट। अपडेट्स थे रिगार्डिंग अ ट्रेंड लाइन जो बिटकॉइन फॉलो करता आ रहा है, एंड हम लोग फिंगर्स क्रॉस करके बैठे थे कि बिटकॉइन वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करे। फॉर नाउ उसने वहीं ट्रेंड लाइन से जो है बाउंस लिया है। फॉर नाउ लेट्स होप इट स्टेज एज इट इज़, एंड हमें जो बुल्स हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पुश करते हुए मार्केट को ऊपर लेके जाएं। पर जब मार्केट गिरती है तो ऑफकोर्स पैनिक आता है, एंड बहुत सारे लोग कल भी पैनिक हुए, ये बेच दूँ क्या, ये बेच दूँ क्या, ये बेच के मैं लोअर में ले लूँ क्या, एंड बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड मैं कल से यही बोलता रहा, गाइस पेशेंस रखो, पैनिक मत करो, रेगुलरली प्रॉफिट बुक करते रहो ताकि आपके पास ऐसे डिप्स में एवरेज आउट करने का चांस हो। तो छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, उसके बाद मैं पोर्टफोलियो पे जाता हूँ। एग्जांपल बहुत सीधा सा है, मान लो आपने 100 डॉट टोकन खरीदे हैं, एज एन एग्जांपल 100 डॉट हैं आपके पास, 100 डॉट आपने खरीदे थे $10 के प्राइस पे, वो आप $20 पे चले गए, उसमें से 25 आप बेच देते हो $20 पे, एंड आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो। वहाँ से आपने क्या किया है, आपने अपना काफ़ी सारा जो खर्चा है, पैसा था, वो वहाँ से आपने निकाल लिया है, राइट। What happens is now you have about 400 something. In fact, in this case, आपके पास approximately जो है $500 बच जाता है because आपने $20 पे बेच दिया था। अभी मान लो वो वापस $15 पे आ गया, now you should use that $500 buy dot again, ठीक है। अभी $500 के बजाय आप 450 या $400 का डॉट दोबारा खरीद लो, तो आप ज़्यादा डॉट खरीद पाओगे जितना पहले आपके पास था, तो आपके पास जो टोटल डॉट का काउंट था वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा विद द सेम मनी। सो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग से आप अपना क्रिप्टो का क्वांटिटी बढ़ाते हो, दैट इज़ हाउ यू कैन एवरेज। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है डिप बाइंग। तो डिप बाइंग का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मैं आज आपके साथ डिप बाइंग का कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा। आई नो ये वीडियो बनाने में मैं एसेंशियली लेट हूँ, क्योंकि कल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, एंड मेरे ट्रेड्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। तो ट्रेड्स में मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट एंट्रीज ही दिखा दी थी कि मैंने कहाँ कहाँ एंट्री ली है, बट मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ डिप बाइंग के टाइम पे क्या करना होता है। क्विकली पानी पी लेता हूँ, तड़का लग रहा है उधर। तो आगे बढ़ने से पहले आपने नोटिस किया होगा, गिव अवे की बात कर रहा हूँ, मैंने नोटिस किया आप में से बहुत सारे लोग जो हैं या तो यंग हैं या आप में पेशेंस नहीं है, एंड आप बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हो। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है आप बहुत जल्दी एंथुजियास्टिक हो जाते हो, ज़्यादा ही एक्सटेसिक हो जाते हो, आपको एकदम ऐसा ओ वाओ, या मार्केट जब गिर रही होती है तो आप बहुत ही पैनिक में आ जाते हो। थोड़ी सी भी 5% का करेक्शन आया बिटकॉइन में कि सब पैनिक में आ गए। उसके लिए एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, वो है नंबर वन पेशेंस रखना। वो पेशेंस एंड ये लाइफ को कैसे फॉलो करना है, कैसे चीज़ों को फॉलो करना है, उसके लिए एक बुक है, मैंने ये कॉपी 2017 में खरीदी थी इस बुक की, एंड आई हैव रेड इट मल्टीपल टाइम्स। मेरे पास किंडल में भी ये बुक है, इनफैक्ट मेरे पास ऑडियो बुक में भी, एंड अगर गूगल पे मेरा नाम सर्च करोगे तो मैंने मल्टीपल जगहों पे इस बुक में से पढ़े हुए लेसन्स पे ब्लॉग आर्टिकल्स भी लिखे हैं। और ये बुक का नाम है मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। तो ये बुक का किंडल वर्जन आई एम गिविंग अवे टू 10 पीपल। वो 10 लोगों को क्या करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है, कमेंट्स में आपको दो चीज़ें लिखनी है। अभी दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय वर्ल्ड, तो आपको कमेंट में हैशटैग वर्ल्ड लिखना है, VAULD, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ल्ड एग्जैक्टली क्या है। आपको पता ही है ऑलरेडी पोर्टफोलियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कुछ दिन पहले वर्ल्ड में, एज वेल एज आपको उस हैशटैग के साथ लिखना है हैशटैग वर्ल्ड, एंड आपको लिखना है हैशटैग पेशेंस। दो चीज़ें, हैशटैग वर्ल्ड, हैशटैग पेशेंस, इतना ही कमेंट करना है आपका। अगर कमेंट सिलेक्ट हो जाता है तो फिर आप आगे जो गिव अवे के विनर में आपको फिर मुझे जो ट्विटर के थ्रू हम हमेशा करते हैं, आपका अमेजोन का ईमेल मुझे देना होगा, मैं आपको किंडल के द्वारा ये किताबें 10 लोगों को विल सेंड दिस बुक, एंड आई होप आप पढ़ो और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो, सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं बट हर जगह पे। लेट्स मूव टू व्हाट द सीन इज, एंड देख लेते हैं अपना जो पोर्टफोलियो है वो कहाँ पहुँचा है। सो करंटली गाइस पोर्टफोलियो है 57,000 पे, 24 आवर्स में ये 848 रुपीज़ का गेन दिखा रहा है, बट एक्चुअली ये 24 आवर्स यहाँ से माप रहा है एज इन गिन रहा है। तो 58,600 पे हम थे और वहाँ से अभी हम अराउंड 56,600 पे चल रहे हैं, 2,000 के लॉस में चल रहे हैं कल से। अगर 7 दिन की बात करूँ तो हम लोग इनफैक्ट वी वर एट अबाउट 60-61,000 के ऊपर हम टच करके आए हैं इस पोर्टफोलियो के साथ। तो ये पोर्टफोलियो अभी डाउन चल रहा है पहली बात, तो इस पोर्टफोलियो का डाउन होना इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो ये पहले चीज़ हमें दिमाग में रखनी है। अनदर थिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, आप हर कॉइन देख लो यहाँ पे, 24 आवर्स का मैं मिनिमम अगर कौन सा सबसे बड़ा डिप लिया है वहाँ से देख लूँ, तो यहाँ पे ऑडियो आपको दिख रहा होगा, ऑडियो 6.34% डाउन चल रहा है। ऑडियो में मैंने
इस पोर्टफोलियो में तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि 30K का लिमिट है, 30K के ऊपर मैं इसमें पैसा नहीं डाल सकता। बट मैंने मेरे मेन पोर्टफोलियो में ऑडियो ऐड किया है कल, आई हैव एडेड ऑडियो, आई हैव एडेड सुशी, आई हैव एडेड आवे, आई हैव एडेड थोड़ा सा इथेरियम। पर वो कैसे किया है और डिप बाय कैसे करना है उसके दो तरीके हैं। आप यहाँ पे ये पोर्टफोलियो है, ठीक है, यहाँ पे अभी अगर मैं इसी पोर्टफोलियो का कोई कॉइन लेना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं मेन पोर्टफोलियो के लिए भी ले सकता हूँ। बट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू कि यार पोर्टफोलियो डाउन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर आप वैसे देखो ये पोर्टफोलियो में सब अच्छा ही चल रहा है क्योंकि ये ऑल टाइम प्रॉफिट में 27,000 के प्रॉफिट में चल रहा है, तो मैं क्यों पैनिक करूँ, राइट? अगर बाई चांस आप ऑल टाइम प्रॉफिट में नहीं चल रहे हो, जो हमारा 10,000 वाला पोर्टफोलियो है, 10,000 वाला पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें गाइस, तो 10,000 वाला पोर्टफोलियो 9,200 तक चला गया था। एंड मुझे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि आप भाई आप ये देखो ये चला गया था 9,000 तक, 1,000 रुपये के लॉस में चला गया था ये, और आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला आपको मुझे आज एंट्री लेनी चाहिए थी। पर मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्या मुझे पता था डिप आएगा? क्या आपको पता था डिप आएगा? नो डाउट मैंने 3 दिन 4 दिन पहले मेंशन किया था कि वॉल्यूम थोड़ा सा कम दिख रहा है मार्केट में, तो शायद सस्टेन ना हो लेवल पर, शायद, राइट? मार्केट में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, तो जो दुनिया में हमारे साथ हो रहा है हमें उसी को लेके चलना होता है। अगेन मेडिटेशंस फ्रॉम मार्कस ऑरेलियस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमन एम्परर्स, नॉट वन ऑफ द, एक्चुअली द ग्रेटेस्ट रोमन एम्परर हु एवर लिव्ड। और ये बाय द वे इसकी किताबें लिखी हुई नहीं है, ये इसका अपने खुद के लिए जर्नल है, इसकी डायरी है ये जो किताबों की तरह आज पब्लिश होती है। तो आई एम शेयरिंग वर्ल्ड के उस टाइम के सबसे पावरफुल आदमी की खुद की डायरी, अपने लिए लिखे गए लेसन्स जो वो कभी कभी सुबह और कभी कभी रात को बैठ के लिखता था। यू रीड दैट एंड आपको ये पेशेंस वेशेंस सब चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे 10-15% डाउन देख के, इवन 50% डाउन देख के आपको टेंशन आना बंद हो जाएगा क्योंकि आप चीज़ों को अच्छे से समझते हो, यू विल फॉलो स्टोइक फिलोसफी एंड आई रियली थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात कर लेते हैं 10,000 वाले पोर्टफोलियो की। जो सबसे ज़्यादा डिप में चल रहा है यहाँ पे, वो चल रहा है अभी के लिए, हम अगर वैसे देखें तो 1 इंच डाउन चल रहा है, सुशी शॉप मिनिमम चल रहा है, सुशी शॉप में 12.7% का लॉस चल रहा है। शुड आई सेल एंड देन बाय लो, ये सब पंगा करना ही नहीं है, लिया है छोड़ दिया है। मेन पोर्टफोलियो के लिए मैं करना चाहता हूँ डिप बाय। अभी डिप बाय के लिए दो तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे, यहाँ पे मेरे पास अभी 6,500 रुपये हैं जिसके साथ मैं आज डिप बाय करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू यूज़ अबाउट 4,000 ऑफ दिस फॉर डिप बाय एंड 2,700 रुपीज़ मैं रखूँगा अगर बाय चांस और डिप आता है उसके लिए, और प्लस मेरे पास थोड़ा सा USDC भी, अबाउट 88 USDC है यहाँ पे वर्ल्ड में, विच आई विल स्टिल कीप फॉर अनदर डिप, ठीक है? तो मैं पूरा खर्चा नहीं करूँगा। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था डिप बाय का एक तरीका होता है AIP। नाउ व्हाट इज़ AIP, आप लोगों को अगर नहीं पता है, वापस ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यहाँ पे आप इसको बता सकते हो बेसिकली कि कब खरीदना है कब नहीं खरीदना है। इसका बहुत सिंपल तरीका है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये 4 कॉइन्स हैं, XLM, BAT, ETH और Bitcoin, इसमें बाय द डिप या फिर डेली, वीकली या मंथली इतना इतना लेते रहना है, ये अपने आप लेता रहेगा। बाय द डिप वाला ऑप्शन बहुत सिंपल सा था कि मैं इसको, मैंने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है बट मैं आने वाले कुछ दिनों में कॉन्फ़िगर करके आप लोगों के साथ एक अपडेट वीडियो दे दूंगा AIP का। 5% जब प्राइस गिरे इन चीज़ों का तो खरीद लेने का, इतने अमाउंट का बेस्ट। इसमें अगर मैं न्यू बास्केट मेरी खुद की बना लूं कि मुझे इथेरियम और बिटकॉइन 50-50% दोनों का मैंने एलोकेट कर दिया, जब ये दोनों का प्राइस 5% से गिरता है, यहाँ पे अपने आप 2,000 रुपये यहाँ पे डाल देने के, एक्चुअली 2,300 मिनिमम बोल रहा है तो पकड़ लो 2,500 रुपीज़ मैं डालूंगा। 1,250 बिटकॉइन में डालेगा, 1,250 इथेरियम में डालेगा अपने आप। सिर्फ मुझे क्या करना है, मेरे वॉल्ड के अकाउंट में मुझे यहाँ पे INR मेंटेन करना है, बात खत्म। UI मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट UI है बेसिकली, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। बाय द डिप यार गाइस, कम ऑन, बाय द डिप। माइकल सेलर ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही डिप की अगर बात करें, वो भी नहीं आया था क्योंकि उसने 45K पे लिया, उसने अनाउंसमेंट कब किए, अनाउंसमेंट लेट किया है उसने, बट ऐसे आप अगर प्राइस खोल के देखो तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा डिप आया, उसने ले लिया कि यार बहुत बढ़ जाएगा। एवरीबडी बाइज द डिप, और एवरीबडी हु स्मार्ट बाइज द डिप। एंड जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। तो आप बोलोगे यार मेरे पास इनकम नहीं है, मैं और बाय द डिप कैसे करूं, तो वहां पे ये प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजीज आती हैं। तो ऑप्टिमली मुझे क्या करना चाहिए, 30K वाला पोर्टफोलियो अगर मैं खोलूं, ऑप्टिमली आपको याद होगा जब मैंने Polkadot दिखाया था, Polkadot वाज 140% प्रॉफिट, अभी 112% है, राइट? तो अगर मैं तब प्रॉफिट बुक करता और मेरे पास थोड़ा सा कैश होता, इस 30K वाले पोर्टफोलियो में मैं Polkadot में डाल सकता था। कल जो मेरे पास $28 बचे थे मैंने ऑडियो में डाल दिए थे बाय द वे, तो आई कुड बुक प्रॉफिट, गेट बैक बाय द डिप। सेम थिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे आप मान लो अभी मेरा कोई, यहाँ अगर मैं बेसिकली मेरा वॉलेट खोलूँ तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास ग्राफ है, USDC है, मैटिक है, बैट है,
तो मान लो मुझे ग्राफ पे अगर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ग्राफ का जो मेरा प्रॉफिट है वो बुक करूँगा, और डिप आएगा तो वापस ग्राफ खरीद लूँगा या कुछ और खरीद लूँगा, दैट इज़ वॉट आई विल डू। एडिशनली आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, मैं इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ, जो मेरी क्रिप्टो पड़ी है उसी पे थोड़ा थोड़ा, USDC पे 9%, FD करवाई थी तो 12.5%, बिकॉज मुझे डिप बाय करना था तो मैंने FD बीच में तोड़ी, तो मुझे जितने दिन वहाँ पे FD में पड़ा था उसका जीरो इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है, उसका 9% के हिसाब से जो इनका नॉर्मल प्राइसिंग है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे जो वो है उतने दिन का इंटरेस्ट मिल जाता है। इट इज़ नॉट लाइक कि मेरा पूरा इंटरेस्ट ये छीन लेते हैं। सो लेट्स बाय द डिप, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, लेट्स बाय द डिप इन, तो मैंने आपको बोला मैं अराउंड 4,000 rupees यहाँ स्पेंड करना चाहता हूँ। आई डू थिंक चेनलिंक इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, मुझे चेनलिंक यहाँ पे ऐड करना चाहिए। मैं और देख रहा हूँ सुशी में कम चल रहा है, बट सुशी आई डोंट वॉन्ट टू ऐड मोर। एक्चुअली एक काम करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, 2,000 rupees का मैं सुशी ऐड करता हूँ, करेक्ट, 2,000 rupees सुशी। सबसे ज़्यादा डिप सुशी का चल रहा था, इनफैक्ट मुझे अच्छा प्राइस मिल जाता अगर मैंने दोपहर को किया होता तो। आई एम अ बिट लेट विच इज़, बट इट इज़ फाइन क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म सोच के चल रहा हूँ। सुशी का 2,000 हो गया, अभी 2,000 rupees और है मेरे पास, तो 2,000 rupees में आई कैन बाय लिंक, यूनी, आवे। आवे मैंने कल डिप बाय कर लिया है, इथीरियम मैंने कर लिया है, यूनी कर लिया है, आई गेस लिंक ही बचता है इसमें, तो चेन लिंक करते हैं। चेन लिंक अगेन एज आई सेड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, अगेन मुझे अच्छा मिल जाता चेन लिंक, बट मैं थोड़ा लेट हूँ। तो चेन लिंक में भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो या तो यहाँ बाय कर सकता हूँ या मैं प्रो ट्रेडिंग में जा सकता हूँ जहाँ पे मुझे प्रॉपर चार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। मैं ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करता हूँ, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया अगर अब तक, तो आई विल जस्ट बाय इट फ्रॉम हियर। 2,000 rupees का मैं यहाँ पे चेन लिंक लूँगा, आई विल टेक यू बैक टू डैशबोर्ड। अब मेरे पास 2,700 rupees बचते हैं बाय चांस। अभी मेरे वॉलेट में आप देखो यहाँ पे सुशी आ गया है 2,000 rupees का और चेन लिंक आ गया है, ऑलमोस्ट 1 चेन लिंक है ये, कूल। तो व्हाट विल हैपन नाउ इज, अगर नेक्स्ट डिप आता है यहाँ, ठीक है, मान लो बिटकॉइन नहीं, जो ट्रेंड लाइन है उसको नहीं फॉलो कर पाता बिटकॉइन एंड इट डिप्स बिलो दैट ट्रेंड लाइन, देन आई हैव 2,787 यहाँ, बट आई डू हैव, आई विल ऐड मोर मनी इन, ठीक है, एंड मैं तब आप लोगों को एक अपडेट वीडियो यहाँ पे दे दूंगा बाय द डिप का। प्लस AIP मैं आज सेट कर दूंगा, आई एम जस्ट वेटिंग टू पुट मोर फंड्स इन, आई सेट अप एन AIP एंड इसके ऊपर मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे फिर वॉल्ट खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सो सकता हूँ चैन से, ठीक है, जो मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ, मूवी देखने जा सकता हूँ, बीवी के साथ घूमने जा सकता हूँ, एंड ये अपने आप वो सब चीज़ें मेरे लिए सेट कर देगा, मुझे कोई टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ द पावर ऑफ ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से। एंड ठीक है यार, 3-5% डिप का टेंशन नहीं लेने का, ये ऑडियो में 4% डाउन चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को याद हो ऑडियो में हम एक टाइम पे 130% अप थे, तब तो मैं पागल नहीं हुआ, खुश हुआ बट पागल नहीं हुआ, तो मैं 4-10% 15% 20% गिरने पे भी क्यों रहूं, राइट। तो दैट इज़ व्हाट वी शुड मेंटेन, अ स्टोइक माइंडसेट। अगेन गिव अवे के लिए #vault एज वेल एज #patience, दीज टू थिंग्स इन द कॉमेंट्स बिलो। 10 लोगों को ये बुक मैं गिव अवे करूंगा, एंड आई होप आप पढ़ो और हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे इस बुक पे। बाय द वे, वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स एवर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर मैं ये बुक पढ़ता हूँ, एज वेल एज देर इज अनदर वन कॉल्ड मैन सर्च फॉर मीनिंग। थोड़ी सी मतलब आप पढ़ोगे मैन सर्च फॉर मीनिंग विक्टर फ्रैंकल की तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा ग्राफिक हो जाता है काफ़ी कुछ, वो नाजी कैंप्स वगैरह के अंदर का पूरा स्टोरी है कि कैसे किसको ज्यूस को कैसे मारते थे, क्या करते थे, वो सब बहुत कुछ। तो इधर वेज एनी वेज कमिंग बैक टू द हैप्पी मोमेंट इन आर लाइफ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगाओ, एंड एज ऑलवेज गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन में मुक्का मार सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एज वेल एज गाइज अगेन अगर आपको ये अपडेट्स नहीं मिले थे सुबह से तो इसका मतलब आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम का भी, एज वेल एज वॉल्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वॉल्ट जरूर आप चेकआउट करें। एंड टेलीग्राम पे अगर आप आ रहे हैं तो @shivamchunejafinance इज द एक्चुअल यूजर नेम दैट यू हैव टू चेक कि आप सही टेलीग्राम चैनल पे हैं, किसी स्कैमर के टेलीग्राम चैनल पे तो नहीं है। @shivamchunejafinance यूजुअली स्कैमर्स के पास फॉलोअर ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से, ज़्यादा फॉलोअर वाला इसके पास चले गए, वो नहीं करना है। @shivamchunejafinance, दैट्स इट गाइज, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए क्या करेंगे, तब तक के लिए चाओ।